हेलो एवरीवन, वेलकम है पिंकी बिमॉन लाइव में। इधर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, दो तेज पत्ते ले लिए हैं हमने, वॉश करके रख लिए हैं। इधर सोयाबीन मैंने अच्छे से वॉश करके धो के निचोड़ लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच दही डाला है और नमक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट और हल्दी डाल के अच्छे से मैंने इसको घुमा के इसके अंदर अच्छे से इसका रस चला जाए ताकि फ्लेवर काफी अच्छा है, और ऐसे ऐसे करके रख दिया है मैंने, आप देख सकते हो। जब तक मैं एक प्याज काट लेती हूँ। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, गैस मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दी है कि जो ऑयल बहुत ज्यादा हीट ना हो, हल्का सा हमें गर्म चाहिए क्योंकि एक बार उबाल आ चुका है इसमें, और उसमें मैंने जीरा भी डाला हुआ है, तो ज्यादा हमने अब छोंक लगाते समय अन्य मसाले नहीं डालने होंगे। तो इनको मैं काट लेती हूँ अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गिलास मैंने यहाँ लगाया होगा क्योंकि फ्राई पैन ना गैस पे टिक नहीं रहा, बार बार गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, चाहो तो थोड़ा सा जीरा इसमें मैं डाल सकती हूँ फ्लेवर बढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा मैं जीरा ले लेती हूँ। मैं गैस अभी मैं चलाऊंगी नहीं क्योंकि ऑयल मेरा बहुत अच्छा गर्म है, आप देख सकते हैं जीरा हल्का हल्का हमें लग रहा है, ज्यादा गर्म पे एकदम जल जाता है तो वो टेस्ट नहीं आ पाता, इसलिए धीमे धीमे। उसके बाद मैं ये 2 तेज पत्ते डाल दूंगी इसमें। तो धीमा धीमा आराम से होगा वो अच्छे से ना। टमाटर ले लेती हूँ इसमें डाल के, ज्यादा नहीं मैं एक ही टमाटर डालूंगी क्योंकि मेरा दही थोड़ा सा खट्टा था, तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। अच्छे से हो गया, भुनता रहेगा, मैं इसको पीस लेती हूँ। और एक लहसुन थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है ना, लहसुन अदरक का। मसालों का ही टेस्ट आता है इसमें। प्याज मैंने भून ली है हल्की हल्की, मैं एक उसको इधर मेरे टमाटर हो गए, मैं आपको दिखा रही थी प्याज मेरी भूनने लगी है। इधर मेरी प्योरी भी हो गई है, थोड़ा सा ही मैं इसमें पानी डालूं, एक बार और ग्राइंड कर लेती हूँ मैं इसको अच्छे से। मेरी प्याज बहुत अच्छे से भुन गई है और इधर मेरी ग्रेवी भी बिल्कुल तैयार है, और इधर सोयाबीन ने भी दही और मसालों को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ।
में कोई और चीज नहीं डाली इसमें, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी सारा मसाला हुआ है। बस दो से तीन मिनट इसको भूनेंगे। भूनता है मैं एक बार गैस, ये हमारा अच्छे से हो गया है। आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छे से बन गया है। और इसमें हम अपना सोयाबीन के चंक्स डाल देते हैं। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसमें से हल्का सा घुमाते हुए इसे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं।